तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ये LG का 6.2 kg का वॉशिंग मशीन है जो कि इंटरलॉक क्लो वॉश है। तो कस्टमर का कहना है, यहाँ पर कस्टमर की कॉल थी तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए घर का ही मशीन है ये, वैसे कहे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इधर के साइड में वॉश मोटर होता है और इधर के साइड में स्पिन मोटर है। तो जिनको ये मालूम नहीं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो एक्सपर्ट है जिनको ये सब मालूम है तो वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो वीडियो को फुली वॉच करें बिना स्किप किए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, एक छोटी सी वीडियो होने वाली है ये। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें जो इसका पानी है वो कपड़े धुलने के बाद में पानी जो है आउट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ कपड़े हैं, तो इनको हम यहाँ पर उठा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि कुछ कपड़े इन्होंने बाकी के कपड़े निकाल लिया और एक यहाँ पर ये रह गया था, तो इसको यहाँ पर साइड में कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर ये जो पानी है वो पानी यहाँ पर आउट नहीं हो रहा है, तो कवर को यहाँ पर ढक लेंगे नीचे की। और देखिए सभी को मैं यहाँ पर ये फ्री में रिपेयर करने का आसान सा ट्रिक बताने वाला हूँ, ताकि आप बिना टेक्नीशियन के इसे बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही रिपेयर कर सके। तो देखिए यहाँ पर ये तीन टाइमर होते हैं, यहाँ पर ये वॉश टाइमर होता है, ड्रेन सिलेक्टर होता है और स्पिन टाइमर होता है। तो जब भी आप यहाँ पर ये ड्रेन सिलेक्टर है इसको यहाँ पर ड्रेन पर लाते हो, वॉश रिन से ड्रेन पर लाते हो, तो यहाँ पर हमारा जो वेस्ट वाला वाटर होता है वो हमारे मशीन से आउट हो जाता है, यानी कि मशीन के बाहर वो पानी निकल जाता है इस वाले टब से। और इसका जो कनेक्शन होता है, ये जो इधर का जो है ये कपड़े सुखाने वाला है, तो इसका पानी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली निकलता है क्योंकि वो बाईपास किया हुआ होता है। लेकिन इधर का जो ये जो टब है, ये कपड़े धोने वाला जो मोटर है, इसका पानी आपको निकालना होता है। तो देखिए कपड़े को हम साइड में कर लेंगे, और देखिए यहाँ पर ये ड्रेन सिलेक्टर है, इसको इस तरीके से ऑन कर देंगे, ड्रेन पर लाएंगे वॉशरिन से, तो यहाँ पर इसकी जो नीचे का जो स्प्रिंग होता है वो ऊपर की ओर आता है, और रबर का जो हमारा जो ड्रेन रबर होता है वो ऊपर की ओर आता है, और जो पानी की जो लाइन होती है वो वहाँ पर ओपन हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो पानी है वो आउट की तरफ होता है। तो देखिए चलते हैं इसके पीछे और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स हम पीछे की ओर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए इसका ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, LG का WP9220 मॉडल है ये, और ये इसका वायर डायग्राम है, ये कुछ वायरिंग है, इनपुट कैपेसिटर वोल्टेज इसका जो भी कुछ है, चलो तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको इसकी वायरिंग देखना है तो आप ये डायग्राम जो है वो डायग्राम को फॉलो करते हुए इसकी वायरिंग कर सकते हो। तो देखिए पीछे की ओर आते हैं, अभी बाकी जो इसमें बहुत कुछ है इसमें, तो उसके और हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रस्सी जो आपको दिख रही है, ये रस्सी हमारी सीधी हमारा जो ड्रेन सिलेक्टर होता है यहाँ पर, ये देखिए ड्रेन सिलेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, अटैच होती है। तो अभी ये शायद चूहे ने यहाँ पर कतर दी है जिसके कारण ये टूट गई है, या फिर ये सड़ गल के भी टूट सकती है, तो यहाँ पर ये टूट चुकी है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये इसका यहाँ पर पाइप है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये पाइप है इसका यहाँ पर, और जैसे ही मैं रस्सी को ऊपर की ओर खींचता हूँ तो देखिए यहाँ पर पानी इसका आउट होता है, ये देखिए पानी आउट हो रहा है। तो सिंपल सा इसमें तरीका है दोस्तों रिपेयर करने का, आप इस रस्सी को चेंज कर दो यहाँ पर, तो आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, या फिर इसको बदलते कैसे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये मशीन के पीछे आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर तीन स्क्रू दिखाई देंगे यहाँ पर, तो मैंने दो निकाल लिए हैं, और ये तीसरा जो है इसको भी यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए मैंने निकाल दिया है, और इनको संभाल के रखना है। इसको संभाल के रखने के बाद ये जो पीछे का कवर है, इस पीछे का कवर को आपने उठा लेना है। तो देखिए इसके अंदर वायरिंग होती है, आपने बहुत ही संभाल के उठाना है, तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है, इसमें कुछ लॉक होते हैं इसके, तो आसान तरीके से बताऊंगा आपको। ये देखिए इधर की साइड से उठा लेना है और इधर के साइड से उठा लेना है, तो उठाने के बाद में देख सकते हो यहाँ पर ये निकल चुकी है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये रस्सी है, ये रस्सी यहाँ पर चूहे ने कतर दी है, चूहे इसके अंदर आए थे, आप देख सकते हो इसके पहले भी मैं इसे रिपेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर चूहे ने वायर कतर दिए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें, तो इसको पिछली बार भी मैं रिपेयर कर चुका था। अभी आपने कुछ नहीं करना है, एक डोर ले लेना है, आप जो
किसी भी प्रकार की डोर या फिर आप जो वॉशिंग मशीन का शॉप होता है वहाँ पर चले जाइए और ड्रेन सिलेक्टर का डोर देने को कहिए उनको, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर दे देंगे। 15 से 20 रुपए में आती है, उसको लाएंगे और आसान तरीके से यहाँ पर इसमें गठान लगा लेनी, ये स्क्रू है यहाँ पर अटका देना है और यहाँ से नीचे की ओर होकर यहाँ पर ये वाले यहाँ पर लगा देना है और इसे एडजस्ट करना है। सिर्फ इसमें ये डोर लगाने से काम नहीं होगा दोस्तों, जब तक इसे आप एडजस्ट नहीं करोगे तब तक आपका इसमें प्रॉब्लम बना रहेगा। कभी इसमें पानी लीकेज का प्रॉब्लम बनेगा तो कभी इसमें ड्रेन पानी नहीं होगा, तो आपने इसे एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको लगाकर बता देता हूँ किस तरीके से। अभी इसमें मैं न्यू डोर नहीं लगाने वाला हूँ, एक जुगाड़ है उसको एडजस्ट करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको समझाने के लिए छोटा सा टॉपिक बनाया था ताकि आपको यहाँ पर समझ आए, क्योंकि बहुत सी बहनों और लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आती है तो वो टेक्नीशियन को बुलाती है और टेक्नीशियन को टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वो घर पर नहीं आते हैं। कभी कभी छोटे से काम के लिए मशीन को दुकान पर लेकर जाना होता है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन सब से बचने के लिए ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप घर पर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो चलिए यहाँ पर इसको मैंने ये गठान लगा दी है पहले से ही, अब इसको मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डोर लूँगा और ऊपर के डोर के साथ कनेक्ट कर दूँगा और एडजस्ट करके आपको पानी ड्रेन करके भी बताऊँगा दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप किए देखिएगा तभी आपको समझिएगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने एक डोरी ली है और इसको यहाँ पर गठान लगा दी है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। और ये देखिए, इस होल से मैंने इस डोरी को नीचे की ओर डाल दिया है और ये नीचे की ओर यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसे मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एडजस्ट करके बता देता हूँ और पानी को यहाँ पर ड्रेन करके भी बताऊँगा और ऊपर से जो स्विच है वहाँ से भी वर्क करके बताऊंगा, तो बने रहिए। देखिए, आप जब भी डोरी को यहाँ पर नीचे की ओर सेटिंग करें तो यहाँ पर आपका जो ड्रेन सिलेक्टर जो है वो यहाँ पर ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए, यानी कि सीधी पोजीशन में रहना चाहिए। अगर आप इसे यहाँ पर ऑन ड्रेन पर करोगे और सेटिंग करोगे तो बाद में आपका पानी यहाँ पर आउट नहीं होगा। देखिए, मेरे केस में यहाँ पर मैंने इसे ऑफ रखा है ड्रेन सिलेक्टर को और नीचे की ओर मैं डोरी को सेट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ड्रेन सिलेक्टर हमारा ऑफ है और मैंने डोरी को मेरे हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए आप इसे, तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया और देखिए यहाँ पर, देखिए कितने अच्छे तरीके से पानी आ रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पानी आ रहा है। अभी ऊपर से ऑफ करूँगा तो देखिए यहाँ पर पानी बंद हो गया है, पानी बंद हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे ऑफ ऑन कर दूँगा ऊपर से, तो देखिए ऑन करते ही यहाँ पर पानी आ रहा है। देखिए, अब पानी ज़रा सा ही बचा था यहाँ पर, तो मैंने ऑफ़ कर दिया है ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ एक तरीका, जो कि आसान सा तरीका है, अगर आपको रस्सी लानी नहीं जाना है तो आप घर पर इस तरीके की कोई भी डोर लगाकर इसे चला सकते हो। तो अभी तो इस तरीके से आप इसे सिंपल तरीके से रिपेयर कर सकते हो। पर हमारा जो सिलेक्टर है वो यहाँ पर ऑन कंडीशन में है और नीचे से देखिए जो हमारा पानी है वो यहाँ पर लगभग ख़त्म हो चुका है, यानी कि हमारे पाइप से यहाँ पर पानी नहीं निकल रहा है ड्रेन पाइप से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये वॉश वाला टब है इसमें भी यहाँ पर कोई पानी नहीं है, पूरा पानी देखिए क्लीन हो गया है, जो वेस्ट वाटर है वो यहाँ पर निकल चुका है। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।